भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कामों पर जनता मोहर लगाएगी। चतुर्वेदी ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों और राष्ट्र सम्मान के लिए मोदी सरकार ने काम किया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा सिर्फ दुष्प्रचार और भ्रम पैदा करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजना है वो देश के हर कोने में हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। आज हम कहते हैं कि 13 करोड़ लोगों को घर मिले तो घर में वो अजमेर में मिले, शहर में मिले, पानी पहुंचेगा तो घर घर पहुंचेगा। उसमें सब जाति वर्ग के लोग हैं, हर क्षेत्र के। आज अजमेर बात किसकी, अनिता जी चर्चा कर रही थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय होगा, चाहे बाकी हॉस्पिटल्स का विषय होगा, इन सब विषयों में भी कैसे उन्नति अजमेर की, इसको भी करने का काम सरकार ने किया है। आप पुष्कर में मिलता था 42 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की परियोजना इसी दौर में आई है। मैं क्योंकि अजमेर केवल एक विषय नहीं, इसलिए अनिता जी बैठी स्थानीय विषयों को देंगी, लेकिन ओवरऑल भारत का विकास इस दृष्टि को रख करके जिसमें अजमेर भी है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में हम देखें तो ERCP जिसमें 23 जिले आते हैं राजस्थान के, उसमें अजमेर भी है। 23 जिले में पानी की समस्या का समाधान ये करने का काम हो। अपन सब जानते हैं कि अजमेर की पानी की समस्या का समाधान भी जब हुआ तो बीसलपुर से लाने का, तो भैरव सिंह जी की सरकार थी जिसमें पानी की समस्या का समाधान हुआ। अजमेर रूरल सेक्टर में बिजली पहुंचे ये भी भैरव सिंह जी के सरकार समय 93 से 98 के बीच में बीजेपी के सरकार के समय हुआ। कई चीज़ ऐसे हैं जो उसमें कर रहे हैं। आज मैंने इसे ओवरऑल देश का समग्र विकास, हर व्यक्ति का उत्थान, इसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए भारत के संविधान में जो बदलते है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी आएगी तो संविधान में परिवर्तन करेगी, आरक्षण समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी आश्वस्ता, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और नेहरू जी के समय आर्टिकल 28 को लाकर के जो हिंदू समाज के अधिकारों को छीनने काम किया, उससे 75 तक धारा 76 आर्टिकल लेकर के आए जिसमें संसद की कार्यावधि बढ़ाई। खुद श्रीमती गांधी लगातार प्रधानमंत्री बनकर बैठी रही, ऐसे लगातार संशोधन करने का काम किया तो कांग्रेस के द्वारा किया। मैं कमाल की बात कर रहा हूं, मैंने बार बार प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को जैसा है उसी को पुश कर रही है। और अपन सब जानते हैं कि अटल जी के समय आज प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को किसी ने पुष्ट करने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। सरकारी नौकरियों को कम विषय नहीं है, सरकारी नौकरी के साथ साथ जॉब का क्रिएशन कितना हो रहा है। जब हम कहते हैं कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जब हम कहते हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके से प्राइवेट सेक्टर में काम बहुत निकल रहे हैं, उन सब में जॉब निकल रहा है। इसलिए देश का आज हम कहें कि 2004 में जब अटल जी को सरकार सौंपी थी, अटल जी ने जब सरकार सौंपी तो देश आर्थिक दृष्टि से 11वीं अर्थव्यवस्था था दुनिया की, और जब 14 ने कांग्रेस ने UPA ने मोदी जी को सौंपी तब भी 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज मोदी जी के कालखंड में 10 साल में हम 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था खड़े हैं। ये जब 5वीं खड़े हैं तो मैं सब कह सकता हूं कि इन सब पूरा आधारभूत ढांचे को खड़ा करने का काम, आज चाहे एयरपोर्ट का विषय हो, रेलवे का सुदृढ़ीकरण का विषय, नई रेड लाइन का विषय हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो, बड़े बड़े अपने सेक्टर्स को, IITs की बात हो, ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं इन सब के माध्यम से जॉब के अलग अलग क्रिएशन खड़े हो रहे हैं।